कंप्यूटर नेटवर्क्स एरर डिटेक्शन चेकसम। इस वीडियो में हम करेंगे चेकसम मेथड जो कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। चेकसम जैसे कि वर्ड सजेस्ट करता है चेकसम, मतलब हमें सम चेक करना है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डाटा है उसमें एरर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एमबिट चेकसम यूज किया गया है। एम बिट चेकसम का मतलब हो सकता है एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 8 बिट हो सकती है, 16 बिट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा कि जो सेंडर साइड है, सेंडर साइड पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, ये डाटा जो है सेंडर को सेंड करना है रिसीवर एंड पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले डिसाइड होगा कि कितने बिट चेकसम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें गिवन है कि 8 बिट चेकसम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, द डाटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ एम बिट्स। मतलब ये जो डाटा यूनिट है सेंड करनी है उसको हम उतने ही बिट्स के सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे जो कि हमें गिवन है। जैसा कि क्वेश्चन में मैंने कहा कि 8 बिट चेकसम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे डाटा को हम डिवाइड कर देंगे सेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो सिंगल पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 8 बिट्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो वैल्यू है इसको हमने डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स में, और हर एक सेगमेंट कितना है, 8 बिट्स का है। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने वैल्यू को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जो कि हमें गिवन था कितने बिट्स के सेगमेंट होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास जो सेगमेंट आ गया है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रिजल्ट ऑफ द सम इज, सॉरी, ऑल द एम बिट सेगमेंट्स आर एडिट। जितने भी ये सेगमेंट्स हमारे पास आ गए हैं इनको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं वन बाय वन वैल्यू लेती हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करते हैं, पहले फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, जैसे कि हम बाइनरी एडिशन करते हैं, राइट, ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये किस तरह से आई है, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 and 1 1 is 0 एंड एक कैरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो जस्ट 1 0 हो तो 1 आएगा, 0 1 हो तो भी 1 आएगा, और अगर 1 1 हो तो उस केस में 0 आकर एक कैरी जाएगी। ठीक है, जैसा कि मेरे लास्ट वाले बिट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, बट द थिंग इज क्योंकि हमें यहाँ गिवन है 8 बिट चेकसम और हम 8 बिट्स में ही वर्क कर रहे हैं, बट जो रिजल्ट आया है उसमें एक कैरी आ गई है जिससे कि ये 9 बिट्स की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस भी केस में जब भी हमारे दो सेगमेंट के एडिशन के बाद अगर कोई भी कैरी आ जाती है तो उसको हम अगेन ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करूँगी, इस बिट को, ये जो कैरी आई है इसको फिर से हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 1 0, एक कैरी यहाँ पर गई, कैरी यहाँ पर जाने का मतलब क्या है, 1 1 हो गया, 1 1 क्या हुआ, अगेन 0, यहाँ पर कैरी गई, यहाँ पर 0 1 हुआ, 0 1 इज 1, और जो बाकी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने ऐड किया है फर्स्ट 2 सेगमेंट्स को। ठीक है, उनका रिजल्ट आया ये, अब ये जो रिजल्ट आया है फर्दर हम एडिशन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमें सभी सेगमेंट्स को ऐड करना है, तो थर्ड वैल्यू भी ले ली हमने, उसको भी ऐड करेंगे इसी तरह से। वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0 0 0 1 1 0, 1 कैरी, 1 1 0 और अगेन 1 कैरी, 1 1 0 अगेन 1 कैरी, और यहाँ पर 3 times 1 हो गया है, 3 times 1 के केस में क्या होगा, 1 और एक और कैरी यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, 1 1 0 अगेन कैरी, 1 और 0 इज 1। आई होप कि आपको एडिशन समझ आ गई, ये बेसिक एडिशन है जो कि बाइनरी में होती है तो वो ऑलरेडी आपको आती भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेगमेंट्स हम ऐड कर चुके हैं, सिंपल एडिशन चल रही है, जस्ट इन केस अगर कोई कैरी आ रही है उसको हम ऐड कर रहे हैं अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, ये 3 सेगमेंट्स का एडिशन आ गया, अब हम 4 सेगमेंट को भी इसमें ऐड कर देते हैं। जब हम 4 सेगमेंट को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड अगेन 1 कैरी। अब यहाँ पर अगेन एक कैरी आ गई तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसी में ऐड कर देंगे,
और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 1, 1 और बाकी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि अगेन कैरी नहीं गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा स्टेप किया है कि चारों सेगमेंट्स का एडिशन कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास सम आ गया। ठीक है, इस सम के बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स करना, इनवर्स करना, मतलब जहाँ पर वन है वहाँ ज़ीरो और जहाँ ज़ीरो है वहाँ पर वन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हर एक जगह यही किया है, हर एक बिट को चेंज कर दिया, वन की जगह ज़ीरो, ज़ीरो की जगह वन, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले लिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया है इसको हम कह रहे हैं चेकसम। ठीक है, तो सेंडर के एंड पर सिंपली हमने क्या किया कि जो भी डाटा था, जो भी हमें चेकसम गिवन था कि हमें किस टाइप का चेकसम यूज़ करना है, 8 बिट करना है या 16 बिट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और सभी सेगमेंट्स को ऐड किया है। इन केस एडिशन करते हुए कोई भी कैरी आती है उसको हम फर्दर ऐड कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही स्टेप है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर जब चारों सेगमेंट्स का एडिशन हो गया उसके बाद हमने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, चेकसम वैल्यू हो रही है। ठीक है, अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर ये डाटा पूरा का पूरा जितने भी बिट्स का है उसको सेंड कर देगा। ठीक है, और इसके साथ ये क्या भेजेगा, ये चेकसम जो इसने कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, ओके, तो अब रिसीवर एंड पर जो रिसीव होगा चेकसम रिसीव होगा और जो डाटा उसने भेजा होगा सेंडर ने वो रिसीव होगा। अब रिसीवर क्या करेगा, द रिसीवर डाटा यूनिट इज डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स ऑफ 8 बिट्स। अगेन सेम बिट का सेगमेंट मेथड यूज होगा, जैसे कि पिछले रिसीवर एंड पर क्या हुआ कि 8 बिट का चेकसम यूज हुआ था, तो यहाँ पर भी 8 बिट्स का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा कि हम फिर से इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि रिसीवर एंड पे डिफरेंट डाटा जो है रिसीवर, और आपको फाइंड आउट करना है कि एरर है नहीं, तो उस केस में आपको करना पड़ सकता है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं तो वो यही आते हैं कि आपको बिट्स गिवन होते हैं और आपको चेकसम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जस्ट जो अभी हमने पीछे की। ठीक है, तो ये जस्ट समझने के लिए कॉन्सेप्ट, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिसीवर एंड पर क्या होगा, हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक सेगमेंट अगेन सेम 8 बिट्स का होगा। उन सभी सेगमेंट्स को हम एडिशन करेंगे जैसा कि पहले किया था हमने, और क्योंकि ये एडिशन सेम है क्योंकि वैल्यू जो है सेम रिसीव हुई है। ठीक है, तो मैं दोबारा एडिशन करके नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेगमेंट्स को ऐड कर दिया और ये जो आया है वो सम आ गया है। ठीक है, ये सम और वो सम सेम आएगा। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सम आ गया है तो हमें एक और वैल्यू रिसीव हुई थी, वो थी चेकसम की वैल्यू। ठीक है, तो उस चेकसम की वैल्यू को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, जो इन चारों सेगमेंट के एडिशन के बाद सम आया था उसमें हम चेकसम की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, and 0, 1, 1। ठीक है, नॉर्मली अगर रिसीवर के एंड पर जो डाटा है वो करेक्ट रिसीव हुआ है तो हमेशा आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डाटा चेंज हो गया होगा तो उस केस में ये डिफरेंट आ सकता है, अदरवाइज आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर वन है तो उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना, राइट। तो क्योंकि सभी वन है तो वो सभी ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू आ गई है, और क्योंकि रिजल्ट जो है ज़ीरो आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो उस केस में हम कह सकते थे कि जो डाटा रिसीव हुआ है उसमें एरर है। ठीक है, दोनों बहुत ईजी है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि हमें कॉम्प्लीमेंट कब करना है और चेकसम कहाँ ऐड करना है। ठीक है, ओके।